मैं न्यूज़ और मैं हूँ फरा खान। आज मैं आपको बताऊंगी बेबा क्वीन कंगना के बारे में। कंगना के फैंस के लिए लेकर आई हूँ मैं कुछ खास। कंगना कुछ ना कुछ हरकत करती रहती हैं और हट कर भी करती रहती हैं, इसी वजह से कई दिलों में खास जगह बना चुकी हैं। अक्सर अपने विवादों के चलते कंगना सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब अचानक से जासूसी का शौक लग गया है कंगना को। जासूसी करेंगी अब कंगना, अरे देख लीजिए खुद ही। एक्ट्रेस कंगना रनौत आने वाली फिल्म जजमेंटल है क्या की कहानी और उससे जुड़े विवादों की वजह से चर्चा में है। 26 जुलाई को रिलीज हो रही इस फिल्म में कंगना रनौत एक साइकेट्रिस्ट किरदार निभाती हुए नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के बाद कंगना एक नए प्रोजेक्ट के साथ सामने आने जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट है धाकड़। फिल्म धाकड़ के पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, लेकिन फिल्म की कहानी कैसी होगी और कंगना का किरदार क्या होगा इसे लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस बारे में पहली बार एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने फिल्म धाकड़ को लेकर कई राज खोले। कंगना ने बताया कि फिल्म धाकड़ फीमेल सेंटर एक्शन थ्रिलर है। इस फिल्म में मैं जासूस का किरदार निभाते नजर आने वाली हूँ। कंगना के मुताबिक धाकड़ बहुत बड़ी फिल्म है, हमारे लिए एक ऐसी शैली में जाने जैसा है जो हिंदी फिल्मों में अभी तक नहीं है। मैं फिल्म में जासूस का किरदार निभा रही हूँ। फिल्म धाकड़ का एक्शन अंदाज में एक पोस्टर रिलीज हो चुका है। पोस्टर में कंगना हैवी गन लेकर खड़ी नजर आ रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन रजनीश राजी घई कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स इन दिनों हॉलीवुड के किसी बड़े एक्शन निर्देशक को खोज रहे हैं, जिससे फिल्म के सीन्स को शानदार अंदाज में शूट किया जा सके। फिल्म की शूटिंग पूरे भारत, दक्षिणपूर्व एशिया, मध्यपूर्व और यूरोप में होगी। धाकड़ के पोस्टर देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंगना रनौत एक बार फिर फैंस को सरप्राइज करने वाली हैं। लेकिन उसके पहले देखना ये होगा कि उनकी फिल्म जजमेंटल क्या है, बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करती है। फिल्म में कंगना के साथ बॉलीवुड के शानदार एक्टर राजकुमार राव नजर आने वाले हैं और कंगना का रोल इसको लेकर क्या कहना है आप खुद ही देख लीजिए। कंगना फिल्म में एक क्रेजी कैरेक्टर में नजर आई। फिल्म की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। फिल्म में कंगना बेहद अलग किस्म का रोल प्ले करने जा रही है, लेकिन वह इस रोल को यूनिक नहीं मानती। हाल ही में कंगना ने द कपिल शर्मा शो में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने फिल्म में निभाए गए अपने रोल के बारे में बात की। कंगना ने कहा कि ये रोल उनके लिए यूनिक नहीं है। वो इस फिल्म में जो रोल प्ले करने जा रही हैं, वैसे रोल वो पहले भी कई बार निभा चुकी हैं। उन्हें ऐसे रोल्स करने का तजुर्बा हो चुका है, वो वैसे किरदारों के साथ न्याय कर सकती हैं। इसके अलावा जब कपिल ने उनसे इंटरेस्ट के बारे में पूछा तो कंगना ने कुछ ये जवाब दिया। कंगना ने बताया कि वह खाली समय में कुकिंग करना पसंद करती हैं, उन्हें गर्म पकौड़ों के साथ चाय की चस्कियाँ लेना पसंद है। कपिल ने कंगना से उनके सिंगिंग इंटरेस्ट के बारे में भी पूछा। इसका जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि उन्हें म्यूजिक से बहुत प्यार है। शो के दौरान कंगना ने लता मंगेशकर का पॉपुलर सॉन्ग तेरा मेरा प्यार अमर भी गाया। कंगना का अपना इस रोल को लेकर कहना है कि वो इसके साथ इंसाफ करेंगी, क्योंकि वो पहले भी ऐसे रोल्स कर चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि वो धाकड़ में कैसी जासूसी करती हैं और दर्शकों को कितना इंस्पायर करती हैं और कितना लुभाती। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कुछ और तड़कों और मसालों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए नेक्स्ट नाइट न्यूज़ के साथ।